हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्रोशे की एक ऐसी डिज़ाइन सीखेंगे जो बनाने में बहुत आसान है, देखने में बहुत अच्छी लगती है और इससे बना प्रोजेक्ट बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। अक्सर लोग पूछते हैं, मैम को ऐसी डिज़ाइन बताइए जिससे कार्डिगन जल्दी तैयार हो जाए, फुल साइज़ का कार्डिगन जल्दी तैयार हो जाए। तो उसके लिए एक तो लूप पैटर्न था जिसे मैंने अपलोड किया था, जो स्केल की सहायता से बनाते हैं। दो डिज़ाइन थी उसकी अपलोड की हैं दोनों मैंने, लेकिन कई लोगों को स्केल से बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो उनका मैडम कोई ऐसी डिज़ाइन बताइए जिसे हम क्रोशे से ही बनाए वो जल्दी बन जाए। तो ये जो डिज़ाइन है ये उन्हीं के लिए है। ये देखिए, इसके लिए आपको एक बेस चाहिए। आपको इतना बनाना आता है, जिस चेन बना के आपको हर चेन में डबल क्रोशिया बना लेना है और 4 के मल्टीपल में ले लेना है। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने में इसे बनाना चाहते हैं। आप इसे 3 के मल्टीपल में बना सकते हैं, 4 के भी, 5 भी, 6 भी, जितना चौड़ा आपको लूप चाहिए उतना बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं देखिए, मैंने फर्स्ट रो बना ली है, यहाँ से हमें टर्न होना है। ये सेकेंड रो है रॉन्ग साइड से, तो यहाँ पे हम 2 चैन हो गई है, हमें यहाँ पे 12 चैन बना लेंगे, 12 चैन बनाएंगे। तो 2 हो गई, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये देखिए 12 चैन हो गई है। आप चाहें तो इसका साइज़ और बढ़ा भी सकते हैं, आप 14 ले सकते हैं, 15, 16, चाहे जितना ले सकते हैं, जितना आपको ये लंबा चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम इसमें हमने बनाया है, इसमें बनाया है, 1, 2, 3 स्किप करेंगे, फोर्थ वाले में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पे 12 चैन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 चैन हमने बनाई। फिर देखिए 1, 2, 3 स्किप करेंगे, जो फोर्थ वाला है इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 चैन बनाए। फिर देखिए जिसमें हमने इसे जोड़ा है उसका 1, 2, 3 स्किप करेंगे, फोर्थ में से हम सिंगल क्रोशिया से ऐड करेंगे। तो ऐसे ही आपको लास्ट तक बनाते हुए जाना है। ये देखिए, ये हमने रो कंप्लीट कर ली और लास्ट में देखिए मैंने 12 चेन बनाई है। तो उसके बाद मेरे पास सिर्फ 3 ही डबल क्रोशिया है, 1, 2, 3। तो जो थर्ड वाला है, जो चेन हमने बनाई है, इसके थर्ड चेन में हम इसे यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब देखिए इसको आपको कैलकुलेट कैसे करना है। एक लूप के बीच में जितने डबल क्रोशे हैं उतने ही आपको लूप के ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है। तो कैसे बनाना है देखिए, यहाँ पर हम 6 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जितनी चेन आप यहाँ पे लेंगे, इसमें इसके लिए आपने जितनी चेन ली उसकी आधी चेन आपको यहाँ बनानी है। फिर यहाँ से हम टर्न हो जाएंगे। अब देखिए इस लूप के बीच में केवल 3 डबल क्रोशिया है, 2 ये और 1 ये। तो यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे 6 चैन बनाने के बाद। फिर यहाँ पे 1, 2, 3, 3 चैन बनाएंगे डबल क्रोशे के लिए। अब देखिए ये जो लूप है, ये जो आपने लूप लिया है, इसे आपको इस तरह से टर्न करना है। देखिए इस तरह से, ये देखिए क्रॉस बनाना है इसे। देखिए ये जो लूप है इसे आपको इस तरह से क्रॉस बनाना है, और क्रॉस बना के फिर इसमें आपको 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। सॉरी, यहाँ पे 2 हैं तो 2 बनाएंगे हम, 1, 2। देखिए एक तो ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमने चैन बनाई है। फिर यहाँ पे 1, 2, 3, सॉरी 3 है, तो यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए। अब देखिए अभी नेक्स्ट पे हमें आना है, इसे भी फिर हम इस तरह से ट्विस्ट करेंगे, इस तरह से। देखिए ये है, इसे आपको इस तरह से ट्विस्ट करना है। और देखिए इसको हमने इसमें काउंट कर लिया है इस वाले को, तो देखिए 1, 2, 3 और 4, 4 डबल क्रोशिया हमें इसमें बनाना है, इस तरह से। देखिए 1, 2, 3, 4। फिर हम नेक्स्ट को इस तरह से, देखिए ये जो हमारा लूप है इसे आपको इस तरह से करना है, ये। और फिर इसमें आपको 4 बनाना है, 4 डबल क्रोशिया बनाना है, 1, 2, 3, 4। ये देखिए, तो इसी तरह से आपको ये पूरा बना लेना है। ये देखिए, ये हमने रो कंप्लीट कर ली। ये देखिए ये हमने बना कंप्लीट कर ली। अब थर्ड रो जो है, देखिए थर्ड रो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम 1, 2, 3, आप चाहें तो डायरेक्ट डबल क्रोशे पे डबल क्रोशे बना सकते हैं, मगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करूँगी। 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद देखिए 1 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, उसके बाद वाले पे देखिए ये हमने स्किप किया, इसके बाद वाले पे हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया।
अब फिर हम ये जो हमने स्किप किया है इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से देखिए, देखिए इस पे हमने बनाया, इसे छोड़ेंगे, इसके ऊपर हमने बनाया एक डबल क्रोशिया। अब इस तरह से लेके जो पिछला हमने छोड़ा है, स्किप किया है, उसके अंदर इस तरह से क्रोशिया हुक इंसर्ट करके देखिए इस तरह से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये क्रॉस स्टिच है, देखिए इसे हम क्रॉस स्टिच करते हैं। फिर देखिए ये हमने यहाँ बनाया हुआ है, इसे स्किप करेंगे, इसके बाद वाले पे हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। और डबल क्रोशिया बना के ये जो इसके बाद वाला है देखिए इस तरह से, इसके बाद पीछे वाला जो हमने अभी स्किप किया है, इसके अंदर इसे इस तरह से इंसर्ट करके फिर हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो फिर ऐसे ही बना लेना है। देखिए इस पर हमने, इसमें हमने बना रखा है, तो इसे छोड़ेंगे और इसके बाद वाले में इस पर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। और फिर जो हमने ये स्किप किया है पीछे वाला, इसमें हम फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से देखिए, देखिए यहाँ हमने बनाया हुआ है, इसे स्किप करेंगे और उसके बाद वाले में एक बनाएंगे। फिर उसके ये जो पिछला वाला है इस पर हम इस तरह से, तो इस तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये हमने पूरी रो इस तरह से बना ली है, देख सकते हैं। अब हम लास्ट में आ गए जहाँ पे हमने तीन चेन बनाई थी, उसमें हमें इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर यहाँ से हम टर्न हो जाएंगे, फिर यहाँ पे 1 2 3 3 चेन बनाएंगे। और फिर सब में जितने भी हमारे डबल क्रोशे हैं सबके ऊपर हम फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 देखिए जैसे हमने बनाया था, हम सब में इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। और फ्रेंड्स एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो ये हमने फर्स्ट रो में 6 चैन के बाद फिर 3 चैन बनाई थी, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 6 चैन बनाना है। देखिए ये चैन बड़ी हो गई है और हमें यहाँ पे सिर्फ 6 चैन बना के ही डायरेक्ट इसको ये डबल क्रोशिया जो है हमें बनाना है। देखिए मैंने पहली बार ही डिज़ाइन बनाई है, तो ये देखिए यहाँ पे ये जो है लूप थोड़ा सा बाहर दिख रहा है, तो जब भी आप इसे बनाएं यहाँ से, तो ये सिर्फ 6 चैन बना के डायरेक्ट डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट कर दें। मैं अभी सेकेंड डिज़ाइन में आपको थोड़ा सा बता दूँगी, तो पहले इस रो को हम कंप्लीट करते हैं। ये देखिए ये हम फोर्थ रो के लास्ट में आ गए हैं, तो यहाँ पे आपको फिर से देखिए ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया इसमें हमने बनाया, अब यहाँ पे जो 3 चैन बनाई थी इसमें भी हमें डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर अब यहाँ से आपको टर्न होना है, तो यहाँ पे हम 12 चैन बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हमने सॉरी 12, ये 12 चैन बनाई है, 12 चैन बना ली है। फिर इसमें हमने बनाया 1 2 3 3 स्किप करेंगे, जो फोर्थ वाली चैन है इसमें आपको एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर 12 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बनाएंगे। और फिर देखिए 1 2 3 स्किप करेंगे, देखिए 1 2 3 स्किप करेंगे, जो फोर्थ वाला इसमें हमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे ही इस रो को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हम इस रो की लास्ट में आ गए हैं, तो यहाँ पे फिर 12 चेन बना ली है। देखिए यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, देखिए 1 2 और ये थर्ड चैन, तो इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए यहीं पे हमारी गड़बड़ हुई थी, हमने यहाँ पे 6 चैन का 3 चैन बनाया था, तो यहाँ पे हमें 6 बनाना है, 1 2 3 4 5 एंड 6 6 बनाने के बाद फिर हम टर्न हो जाएंगे। अब देखिए इस लूप में 3 डबल क्रोशिया, एक जिस पे हमने इसे बनाया है और 2 बीच में स्किप किया है, ये देख सकते हैं आप, तो इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसे आपको इस तरह से कर लेना है, देखिए इस तरह से ये जो है इसे आपको इस तरह से कर लेना है, और फिर इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और फिर नेक्स्ट को आपको इस तरह से कर लेना है, और फिर इसमें हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 के बाद 2 3 4, तो अब बाकी आपको सारा जो है ये सेकेंड थर्ड और फोर्थ ये तीनों रो सेम बनानी है। बस यहीं पे देखिए हमारा गड़बड़ हुआ था, देखिए ये थोड़ा सा बाहर की तरफ है और यहाँ पे ये सही आया, एकदम सही आया। तो 6 चैन ही बनानी है आपको, 3 चैन नहीं बनानी है। तो इसी तरह से हम दोनों लाइन कंप्लीट करके बताते हैं। ये देखिए ये हमने 4 रोज फिर कंप्लीट कर ली, तो इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनता है। देखिए रॉन्ग साइड से और राइट साइड दोनों साइड से ये यूज़ कर सकते हैं आप इसे, और जब ये बन जाएगा जब इसे धुल देंगे तो इस डिज़ाइन जो हमारी सेट जाएगी। देखिए जैसे ये नीचे की डिज़ाइन सेट हो गई है, वैसे ऊपर की भी सेट जाएगी।
तो लग रही है ना प्यारी। और फ्रेंड्स ये बहुत जल्दी बन जाती है, देखिए ये 4 रोज़ में ही आपकी 2.5 इंच की बुनाई कंप्लीट हो जाती है। 4 रोज़ में केवल 2.5 इंच की बुनाई आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो लग रही है ना प्यारी डिज़ाइन। तो इस डिज़ाइन को बनाइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको डिज़ाइन कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।